नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे एम्ब्रेन की ये स्मार्ट वॉच एम्ब्रेन वाइजरोम। और दोस्तों इस वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाती है एंड इसके साथ आपको इसमें और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाते हैं। एंड दोस्तों ये वॉच हमने परचेज किया फ्लिपकार्ट से बिग बिलियन डेज ऑफर में। एंड दोस्तों ऑफर प्राइस में ये वॉच हमें मिल गई थी सिर्फ 1600 में, 1600 में। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, चेक करते हैं इस वॉच को, देखते हैं कैसी ये वॉच है, क्या इसमें खास है, कैसे इसकी डिस्प्ले है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ है, बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। ये है दोस्तों एम्ब्रेन वाइजरोम और दोस्तों ऐसा कुछ डिज़ाइन है इस वॉच का। ये राउंड शेप में आपको डायल मिल जाता है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए 1.28 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, 24/7 यहाँ पे आपको हार्ट रेट मिल जाता है, SPO2 लेवल आप चेक कर सकते हो, 60 स्पोर्ट्स मोड आपको देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस भी सारे मिल जाते हैं, फिटनेस ट्रैकर है ये। एंड यहाँ पे आपको 10 डेज़ की बैटरी लाइफ मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको 2 बिल्ट इन गेम्स भी मिल जाती है इस वॉच में। एंड यहाँ बैक साइड अगर हम देखें तो देखिए 365 डेज़ की आपको वारंटी मिल जाती है, यानी कि 1 ईयर की वारंटी आपको इस वॉच में मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको देखिए वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है, 100+ वॉच फेसेस आपको इस वॉच में मिल जाते हैं, IP68 वाटर रेजिस्टेंट है ये वॉच। एंड यहाँ पे आपको इनबिल्ट माइक मिल जाता है कॉलिंग के लिए। एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको 260 mAh की बैटरी मिल जाती है इस वॉच में। एंड दोस्तों ये वॉच आपको 3 कलर वेरिएंट में मिल जाती है, सिल्वर, ग्रे एंड ग्रीन। एंड यहाँ पे देखिए आपको ब्लैक कलर में मिल जाती है। एंड यहाँ पे बॉक्स में अगर हम प्राइसिंग देखें तो देखिए यहाँ पे 6000 प्राइसिंग दे रखी है, बट दोस्तों हमने परचेज़ करी थी फ्लिपकार्ट से बिग बिलियन डेज में। एंड दोस्तों ऑफर प्राइस में ये वॉच हमें मिल गई थी 1600 में, यानी कि 1600 में। तो चलिए दोस्तों बॉक्स ओपन करते हैं, निकालते हैं इस वॉच को बाहर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। एंड दोस्तों ये है हमारी वॉच, इसको रखते हैं थोड़ा साइड में। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाती है वॉच को चार्ज करने के लिए। तो चलिए रखते हैं सबको साइड में और आते हैं अपने इस वॉच की तरफ। तो स्टिकर अभी हम हटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको इस वॉच का फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप बकल देखोगे तो देखिए यहाँ पे एम्ब्रेन लिखा हुआ है और यहाँ पे मेटालिक बकल आपको देखने को मिल जाता है। एंड देखिए ऐसा कुछ आपको स्ट्रैप देखने को मिल जाता है, स्ट्रैप को आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रखी है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग का स्ट्रैप है। एंड यहाँ पे देखिए आपको ऐसा कुछ आपको डायल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिल जाता है इस वॉच में। एंड यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ डायल है दोस्तों, ये सिल्वर कलर में है एंड ये दोस्तों मेटालिक डायल नहीं है, प्लास्टिक फ्रेम आपको इस वॉच में मिलता है। एंड ये दोस्तों ज़्यादा हैवी भी नहीं है, लाइट वेट लग रही है वॉच। एंड यहाँ पे आपको देखिए 2 बटन्स देखने को मिल जाते हैं। एंड बैक साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको देखिए चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए आपको सेंसर मिल जाते हैं, हार्ट रेट सेंसर और SPO2 सेंसर। एंड दोस्तों इस साइड अगर आप देखोगे तो इस वॉच में देखिए यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाती है इस वॉच में। एंड यहाँ पे देखिए आपको माइक्रोफोन मिल जाता है ऊपर की तरफ। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेके तो इस वॉच का डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। प्राइसिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, ये आपको दोस्तों 2000 के आसपास मिल जाएगी, हमें ऑफर प्राइस में 1600 में मिली है। तो 2000 की अगर ये वॉच रहती है तो भी इसका डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी इस प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों वॉच को अभी हम ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों वॉच अभी हमारी ऑन हो चुकी है, तो चलिए इस वॉच को फ़ोन से पेयर कर लेते हैं। एंड दोस्तों फ़ोन से पेयर करने के लिए आपने ये ऐप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेनी है, द फिट, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। एंड उसके बाद दोस्तों आपने ऐप को ओपन करना है एंड इस वाले ऑप्शन में आपने जाना है। एंड यहाँ पर आपने क्लिक करना है ऐड डिवाइस पर। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए आपकी वॉच यहाँ पर शो करेगी। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों वॉच हमारी शो कर रही है वाइजरोम। तो जस्ट आपने इसको टच करके फ़ोन से पेयर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों वॉच अभी हमारे स्मार्टफोन से पेयर हो चुके हैं, यहाँ पे दिखा रहा है वॉच कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे देखिए 70% हमारी वॉच चार्ज है। एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको ब्लूटूथ पेयरिंग भी मिल जाती है इस वॉच में, दोस्तों आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिलती है, तो आपने यहाँ पे ब्लूटूथ में भी इस वॉच को कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों वॉच अभी हमारी स्मार्टफोन से पेयर हो चुकी है, वॉच यूज़ करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो दोस्तों पहले हम इस वॉच के सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि वॉच में हमें क्या फीचर मिलते हैं, उसके बाद दोस्तों हम इस मोबाइल ऐप को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप स्लाइड करते हो तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए 69% ये वॉच चार्ज है, यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगी, यहाँ पे डेट दिख जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए ये आइकन शो करता है कि वॉच हमारे फ़ोन से कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए फाइंड फोन का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, थिएटर मोड यहाँ पे आपको मिल जाता है, टॉर्च का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे वाइब्रेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे सेटिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप वॉच आपको मिल जाती है, अलार्म, टाइमर, यहाँ पे आप मेन्यू स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो 2 टाइप के आपको मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं इस वॉच में, ग्रिड टाइप एंड लिस्ट टाइप।
एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप रिंग को भी सेट कर सकते हो, आपको वॉच में रिंग चाहिए या रिंग एंड वाइब्रेशन दोनों चाहिए या फिर वाइब्रेशन चाहिए तो सेटिंग आप कर सकते हो इस वॉच में। इसके बाद यहाँ पे देखिए वाइब्रेशन को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे थिएटर मोड मिल जाता है, यहाँ से आप वॉच को रीसेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए वॉच आप पावर ऑफ कर सकते हो यहाँ से। एंड यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड यहाँ से देखिए आप ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको BIS की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड दोस्तों अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको वॉच में सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। एंड दोस्तों इस साइड अगर आप स्लाइड करते हो तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कितने स्टेप आपने चले हैं, स्लीप मॉनिटरिंग का डाटा यहाँ पे आपको मिल जाता है, कितनी कैलोरीज आपने बर्न करी है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको हार्ट रेट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पे आपको BP की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको SpO2 लेवल आपको पता चल जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कॉल डायल करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो वॉच से आप कॉल डायल भी कर सकते हो एंड आप वॉच से कॉल रिसीव भी कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपको म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए वेदर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए कैमरा कंट्रोल मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए आपको वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है इस वॉच में। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रीदिंग की एक्सरसाइज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर हम इस साइड स्लाइड करते हैं तो दोस्तों ऐसा कुछ आपको मिनी स्टाइल मिल जाता है इस वॉच में। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो भी ऑप्शन आपको इस वॉच में मिलते हैं, जो भी फीचर आपको इस वॉच में मिलते हैं, वो सारे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे SpO2 लेवल आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे BP चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको देखिए काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं इस वॉच में। एंड यहाँ पे आपको हार्ट रेट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको दो गेम्स भी मिल जाती है इस वॉच में, तो यहाँ पे दो गेम्स दे रखी है, बर्ड वाली एंड एक ही दूसरी गेम भी मिल जाती है आपको इस वॉच में। एंड इसके बाद देखें तो यहाँ पे देखिए आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे देखिए आपको ब्रीदिंग की एक्सरसाइज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है इस वॉच में। एंड दोस्तों ये जो है ये ग्रिड टाइप वाला मेन्यू स्टाइल है, अगर हम चाहें तो इसे लिस्ट टाइप भी कर सकते हैं, तो चलिए इसे लिस्ट टाइप कर देते हैं। तो देखिए ऐसे आप मेन्यू स्टाइल कर सकते हो इस वॉच में। तो दोस्तों इस वॉच में आपको दो टाइप के मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप रख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों इस वॉच का जो UI है वो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, प्राइसिंग के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो इस प्राइस के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो इस वॉच में जो UI दे रखा है, जो यूज़र इंटरफेस है, वो काफ़ी अच्छा दे रखा है, काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम ऐप में देखें तो यहाँ पे देखिए आपको स्टेप्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, स्लीप मॉनिटरिंग का डाटा मिल जाता है, यहाँ पे आपको हार्ट रेट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पे आपको BP की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पे आपको ब्लड ऑक्सीजन लेवल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको आउटडोर रनिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितना डिस्टेंस आप यहाँ पे रन करे हो। एंड यहाँ पे अगर हम सेंटर में जाएं तो यहाँ पे आपको वॉच की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देखिए वॉच अभी हमारी कनेक्टेड है, 66% वॉच चार्ज है। एंड यहाँ पे देखिए आपको वॉच फेसेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो काफ़ी सारे वॉच फेसेस आपको इस वॉच में मिल जाते हैं, जो कि आप अपडेट कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे जो वॉच फेसेस है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इस वॉच में। एंड इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ से दोस्तों आप नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हो, जैसे देखिए फ़ोन के, मैसेज के, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो उसके सारे जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको आपके स्मार्ट वॉच में मिल जाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अलार्म भी सेट कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच में। एंड यहाँ पे देखिए शटर का ऑप्शन मिल जाता है, तो रिमोट कैमरे का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको इस वॉच में। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप जो कॉन्टैक्ट्स है वो भी सेव कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच में। एंड इसके बाद यहाँ पे अदर का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए फाइंड डिवाइस का ऑप्शन दे रखा है, अगर आपकी वॉच नहीं मिल रही है तो आप वॉच को फाइंड कर सकते हो। तो देखिए ऐसे कुछ जो रिंगटोन है वो वॉच में बजने लग जाएगी। यहाँ से दोस्तों आप टाइम फॉर्मेट का चेंज कर सकते हो, 12 आवर्स या 24 आवर्स में रख सकते हो। यहाँ पे आप यूनिट सिस्टम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप डू नॉट डिस्टर्ब को अनेबल या डिसेबल कर सकते हो, यहाँ पे आप रिमाइंडर टू मूव को अनेबल या डिसेबल कर सकते हो, कॉन्टिन्यूस हार्ट रेट को आप यहाँ से अनेबल या डिसेबल कर सकते हो, म्यूज़िक कंट्रोल को आप यहाँ से अनेबल या डिसेबल कर सकते हो, यहाँ से आप देखिए लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए आपको ऑटो स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, तो स्क्रीन ऑन टाइम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखिए 30 सेकंड्स का मिल जाता है इस वॉच में। एंड इसके बाद देखिए आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप वॉच को रीसेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको क्विक व्यू का ऑप्शन मिल जाता है, रिस्ट टू राइज वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए ड्रिंकिंग रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है, इसे भी आप यहाँ पे अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। यहाँ से आप देखिए वेदर की इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसे भी आप यहाँ से देखिए अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो वॉच को आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ से आप अपनी जो प्रोफाइल है उसे सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए गूगल फिट को भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसी कुछ मोबाइल ऐप आपको देखने को मिल जाती है इस वॉच की। तो चलिए दोस्तों वॉच अभी आपको पहन के दिखाता हूँ।
तो दोस्तों ऐसा कुछ लुक आपको देखने को मिल जाता है जब आप वेयर करते हो इस वॉच को। और दोस्तों वॉच देखने में काफ़ी गुड लुकिंग लग रही है एंड हाथों में इसकी फिटिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और यहाँ पे देख सकते हो आप जो इसका रिस्ट टू राइज है, जो वेकअप स्क्रीन है, देखिए काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल भी मिस नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों हार्ट रेट चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये वॉच जो मेरा हार्ट रेट दिखा रही है, देखिए 87 BPM के आसपास दिखा रही है। तो यहाँ पे मेरा जो हार्ट रेट है मोस्टली 90 के आसपास ही रहता है, तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट आपको मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों अभी SpO2 लेवल भी चेक कर लेते हैं इस वॉच में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वॉच मेरा SpO2 लेवल दिखा रही है 98% के आसपास। तो दोस्तों इसमें जो रीडिंग मिल जाती है आपको काफ़ी हद तक एक्यूरेट मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों अभी सरफेस का हार्ट रेट रीड करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये वॉच जो है सरफेस का भी हार्ट रेट दिखा रही है। तो चलिए दोस्तों अभी सरफेस का SpO2 लेवल भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये वॉच सरफेस का भी SpO2 लेवल रीड कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस वॉच में, ये वॉच जो है सरफेस की भी रीडिंग ले रही है, बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि इसके जो सेंसर है वो एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे रीडिंग आपको काफ़ी तक एक्यूरेट मिल जाती है, बट ये जो सर्फेस का डाटा रीड कर रही है वॉच, ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच में दो बटन मिल जाते हैं। तो नीचे वाले बटन से दोस्तों आप डायरेक्टली जो स्पोर्ट्स मोड है उसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो अगर आपने कोई स्पोर्ट्स मोड यूज़ करना है, अगर आपने एक्सरसाइज वगैरह करनी है, तो आप इस बटन का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्स मोड है इस वॉच में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक वॉच फेस अपडेट करके देखते हैं इस वॉच में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारे वॉच फेसेस मिल जाते हैं। तो ये वाला वॉच फेस अभी सेट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये वॉच फेस अभी अपडेट हो चुका है और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कंप्लीट जो डिस्प्ले है वो देख सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले में जो बेजल दे रखे हैं साइडों में वो काफ़ी ज़्यादा दे रखे हैं। डिस्प्ले बीच में छोटी है, बट बेजल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे बेजल दे रखे हैं। बट यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा आपको कलर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल दोस्तों प्राइसिंग के हिसाब से बताऊँ तो डिस्प्ले भी आपको इस वॉच में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों एक कस्टमाइज वॉच फेस भी सेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप देखिए कस्टमाइज वॉच फेस सेट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों अभी हमने एक कस्टमाइज वॉच फेस सेट किया है और देखिए ये भी सेट हो चुका है और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इस वॉच में। तो दोस्तों इस वॉच में आपको वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए आप वॉइस असिस्टेंट भी यूज़ कर सकते हो। टेल मी अबाउट दी वेदर। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ कॉल नोटिफिकेशन आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप कॉल रिसीव भी कर सकते हो, आप कॉल डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए आपको ऐसी कुछ रिंगटोन मिल जाती है इस वॉच में। तो देखिए वॉच में आपको रिंगटोन भी मिल जाती है एंड वॉच वाइब्रेशन भी कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच में डायल पैड भी मिल जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आप कॉल डायल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्पीकर की आउटपुट एक बार सुना देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम एक कॉल डायल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी लाउड एंड क्लियर यहाँ पे आपको स्पीकर में आवाज़ मिल जाती है इस वॉच के। तो दोस्तों ये वॉच मुझे काफ़ी पसंद आई है। दोस्तों इसमें डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे ये वॉच थोड़ी लाइट वेट है, यहाँ पे आपको मेटालिक फ्रेम देखने को नहीं मिलता है, बट प्राइसिंग के हिसाब से ये वॉच काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो कॉलिंग भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है और दोस्तों ये 2000 के आसपास आपको मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको 2000 के आसपास कोई स्मार्ट वॉच चाहिए कॉलिंग वाली, तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस वॉच को परचेज कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कॉलिंग आप इस वॉच में कर सकते हो एंड काफ़ी सारे फीचर इस वॉच में आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।